हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? भाई हो अच्छे होंगे, मज़े होंगे। मेरा नाम नासिर है और आप देख रहे हैं अभी टेक व्लॉग। तो दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एप्पल लोगो वाली वॉच का। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड की थी कि भाई एप्पल लोगो वाली वॉच पे वीडियो बनाइए, तो आप लोगों के लिए आपके भाई ने वॉच को परचेस कर लिया है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या आता है। उसके साथ ही इसी वीडियो में मैं इसका फुल रिव्यू भी कर दूंगा, ताकि एक ही वीडियो में काम तमाम हो जाए। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और वीडियो को पूरा करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। उसके साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वॉच में तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं सभी टॉपिक को वीडियो में कवर कर देता हूँ, बट फिर भी लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई क्या इसमें वॉच फेस ऐड हो जाते हैं, मतलब अपने वॉलपेपर लगा सकते हैं अपने फोटो को, और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो मैं पहले से ही कवर कर चुका होता हूँ वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है, यहाँ पर वॉच लिखा हुआ है और डायल की डिज़ाइन बनी हुई है। यहाँ पर ब्लैक कलर का सिंबल है, मतलब ब्लैक कलर की ये वॉच है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पर स्मार्ट वॉच लिखा हुआ है, और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर कुछ फीचर मेंशन किए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर iOS और एंड्रॉइड दोनों का आपको सपोर्ट मिल जाता है। और उसके साथ ही यहाँ पर QR कोड मिलता है, जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस वॉच को पेयर कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर फीचर की बात करें तो लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती है, जिसकी कैपेसिटी है 200 mAh। उसके साथ इसमें जो डिस्प्ले मिलती है वॉच में, 1.7 इंचेस की TFT डिस्प्ले मिलती है, और इसका रेजोल्यूशन है 240x280 पिक्सल। इस वॉच में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी वॉच मैंने यूज़ की है क्लोन वॉच, उसमें जो वायरलेस चार्जिंग नहीं रहता है बल्कि मैग्नेटिक चार्जर होता है और उसमें पिन होती है। और यहाँ पर चार्जिंग टाइम है 2 आवर्स। उसके साथ इसमें ब्लूटूथ 4.0 का सपोर्ट मिलता है, मल्टी लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है, और फुल टच डिस्प्ले आपको मिलता है। तो चलिए इसको अनरैप करते हैं और वॉच के बॉक्स को ओपन करते हैं। इसकी जो पैकेजिंग है वो एप्पल वॉच की तरह दी गई है, और इस तरह से आपको ओपन करना है, और यहाँ पर आपको अंदर वॉच का बॉक्स रखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्मार्ट वॉच लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है, तो इसको रखते हैं साइड में और इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक एनवेलप मिलता है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें आपको एक स्ट्रैप मिल जाता है, ब्लैक कलर का स्ट्रैप है, और स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करें तो ओके है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, ओके लगा मुझे। इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पर चिंग चौंग चूचा चांग कुछ लिखा हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पर भी आपको एक QR कोड मिल जाता है, वही QR कोड चाहे बॉक्स में जो मिलता है वही QR कोड यहाँ भी मिल जाता है, तो इस यहाँ से भी आप एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। और पूरी चाइनीज़ लैंग्वेज में दी गई है, तो किसी काम की नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको इंग्लिश भी मिल जाती है, तो चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी कोई पढ़ता नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक मैग्नेटिक चार्जर नहीं मिलता है, बल्कि एक वायरलेस चार्जर मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी पिन नहीं है, और USB A2 वायरलेस चार्जर मिलता है, और जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है वायर की। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। तो कुल कंटेंट यही मिलते हैं, बाकी आते हैं वॉच की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्टिकर लगा हुआ है, इसको निकाल लेते हैं। और वॉच के फिज़िकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको क्राउन मिल जाता है, इसके साथ ही नीचे माइक्रोफोन मिलता है, और यहाँ पर एक बटन मिलती है जो कि बटन वर्क करती है, डमी की नहीं है बल्कि रियल की मिलती है। उसके साथ ही बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर कुछ LED लाइट्स मिल जाती है, और इस साइड की बात करें तो यहाँ पर एक स्पीकर वेंट मिलता है, और यहाँ पर एक स्पीकर वेंट का हल्का सा खाँचा बना हुआ है, बट वो है नहीं, तो एक ही स्पीकर वेंट यहाँ पर दिया गया है। वैसे भी जितनी क्लोन वॉच आती है उनमें 2 वेंट होता है, बट एक ही स्पीकर होता है। उसके साथ ही यहाँ पर कटआउट मिल जाता है, जिसमें आप स्ट्रैप को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रैप भी लगा कर देख लेते हैं कि किस तरह से क्वालिटी मिलती है स्ट्रैप की। तो ठीक है, अच्छे से फिट हो गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। इसको भी लगा लेते हैं, तो स्ट्रैप का हाल देख सकते हैं, लगाते लगाते ही टूट गया ये। तो इन सब वॉच में यही होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी घटिया क्वालिटी का स्ट्रैप है, मतलब सॉफ्ट लग रहा था मुझे, बट यहाँ पर देख सकते हैं लगाते ही टूट गया ये। तो फिलहाल इसी तरह इसको अटका लेते हैं, तो ये अच्छे से फिट हो गया, ये हिल नहीं रहा है। तो अब वॉच को ऑन करते हैं, देखते हैं इसमें बैटरी है या नहीं है। तो ऑन करने के लिए आपको इस बटन से प्रेस करना पड़ेगा। तो ऑन हो गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले एप्पल का लोगो आया, जैसा कि एप्पल की ओरिजिनल वॉच में आता है, और वॉच ऑन हो गई है। तो देख लेते हैं क्राउन, देख लेते हैं वर्क किस तरह से करता है। तो उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है, बाकी क्राउन आपको वर्किंग मिल जाता है। UI की बात करें तो ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको टॉगल बार शो होगा, इसके साथ ही नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो स्मार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं जो स्मार्ट मेन्यू है वो काफ़ी स्मूथ वर्क कर रही है। और इसको भी देख लेते हैं तो जूम इन और जूम आउट भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं यहाँ से म्यूज़िक आप नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको म्यूज़िक कंट्रोल का फीचर मिल जाता है, और इस तरह से आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद
राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर भी मेन्यू आपकी ओपन हो जाती है, तो कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस मिलता है इसमें। बाकी वॉच फेस की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारा आपको वॉच फेस मिल जाता है, तो इस तरह से आप क्राउन की मदद से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसमें वॉच फेस मिल जाता है। अब वॉच को फ़ोन से पेयर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसमें क्वालिटी देखने को मिलती है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको कैमरे को ओपन करना है और यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करना है। तो यहाँ पर चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर जिस एप्लीकेशन का आपको सपोर्ट मिलता है उसका नाम है क्यू डी फिट, बड़ी अजीब और गरीब नाम की एप्लीकेशन है। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं और वॉच को पेयर करते हैं। तो वॉच फ़ोन से पेयर हो गई है और पेयर करने के बाद आपको ब्लूटूथ में जाना है और इसके बाद जो पेयर वॉच है उसकी सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके आपको कॉन्टैक्ट शेयरिंग को ऑन कर देना है, तभी आपके कॉन्टैक्ट जो है वो सिंक होंगे। तो यहाँ पर रिट्राई करते हैं और ये सिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप मीडिया ऑडियो को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद फ़ोन कॉल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है काफ़ी सारा ऑप्शन। इसके ऐप की यूआई की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको यूज़र इंटरफेस मिलता है इसकी एप्लीकेशन का, और जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो यहाँ पर शो होगा। तो ये सब फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी यहाँ से आप काफ़ी सारा एक्टिविटी वाला फीचर भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा सेटिंग में चलते हैं इसकी, तो यहाँ पर गूगल इसको भी बंद करते हैं और स्लिप टारगेट ये सब आपको मिल जाता है। बाकी मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँगा, उसके बाद देखूंगा कि क्या क्या फीचर्स में वर्क करता है और क्या क्या फीचर वर्क नहीं करता है। तो आप लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, बाकी वॉच कैसी है। मैं इसको 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और 2-3 दिन में पता चल गया कि ये वॉच कैसी है। सबसे पहले बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन एप्पल वॉच सीरीज 6 की कॉपी है, यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ाइन वाइज बिल्कुल एप्पल वॉच जैसी लगती है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर आपको जो साइड में बटन मिलती है वो वर्क करती है, ऐसा नहीं है कि डमी की है। तो यहाँ पर बिल्कुल एप्पल वॉच की कॉपी दी गई है और यहाँ पर बटन भी वर्क करती है। उसके साथ ही स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करें तो मुझे स्ट्रैप की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी यहाँ पर। बाकी स्ट्रैप आप चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल स्ट्रैप आपको मिल जाता है, तो आप मार्केट से नया स्ट्रैप परचेस करके लगा सकते हैं। उसके साथ ही क्राउन की बात करें तो क्राउन भी अच्छे से वर्क करता है। जब मैंने वॉच को अनबॉक्स किया था तो क्राउन काफ़ी मतलब फंसा हुआ चल रहा था, काफ़ी टाइट था, बट धीरे धीरे ढीला हो गया, मतलब अच्छे से स्मूथली वर्क करने लगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा क्राउन भी अच्छे से वर्क करता है। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है काफ़ी कलरफुल मिलता है। उसके साथ ही टच रिस्पॉन्स की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है और जो स्मार्ट मेन्यू है वो भी बहुत कम लैग करता है, तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो वो भी इनफ आपको मिलती है, अगर आप आउटडोर में भी इसको यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो डिस्प्ले वाइज भी ये वॉच काफ़ी अच्छी है। बाकी बेजल की बात करें तो यहाँ पर नीचे साइड में देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज मिलता है आपको, बाकी ऊपर साइड में और राइट और लेफ्ट में काफ़ी कम बेजल मिलता है। बात करें रेस्ट टू वेक वाले फीचर की, तो इसमें वर्क तो करता है बट इसका मामला ही उल्टा है, मतलब जैसे ही आपको अगर देखना नहीं है वॉच को तो आप ऐसे कर लीजिए, इसके डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, और अगर आप ऐसे करेंगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी फनी इसका रेस्ट टू वेक वाला फीचर लगा, क्योंकि कोई भी अगर वॉच को देखता है तो ऐसे देखता है बट यहाँ पर ऐसे करते ही डिस्प्ले ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर रेस्ट टू वेक वाला फीचर वर्क करता है बट पूरा उल्टा वर्क करता है। बात करें फिटनेस वाले फीचर की और सेंसर की, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा जितने भी क्लोन वॉच आती है उनमें कोई भी सेंसर नहीं होता है, बस 4 LED लाइट होती है। तो यहाँ पर भी कोई मेहनत नहीं की गई है और यहाँ पर भी आपको बैक साइड में 4 LED लाइट मिलती है। तो जितने भी फिटनेस वाले फीचर है, चाहे हार्ट रेट की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, SPO2 की बात करें, सभी इसमें फेक मिलता है। बाकी स्टेप काउंट की बात करें तो स्टेप काउंट तो ये करती है बट उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकालती है, तो स्टेप काउंट वाला फीचर भी मैं कहूँगा कि फेक है। अब बात करते हैं इस वॉच की कनेक्टिविटी की और कॉलिंग फीचर की, तो यहाँ पर इस वॉच ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। इसमें आपको जो कनेक्टिविटी मिलती है काफ़ी अच्छी मिलती है, मैं 2-3 दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई भी कनेक्शन लॉस्ट वाला इशू यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। इसकी जो एप्लीकेशन है क्यू डी फिट नाम की एप्लीकेशन आती है और वो काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, आप वॉच को पेयर कर लेंगे तो इसका कनेक्शन लॉस्ट नहीं होगा, तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। उसके साथ ही कॉलिंग फीचर की बात करें तो इसमें जो स्पीकर मिलता है उसकी लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अभी तक जितने भी क्लोन वॉच मैंने यूज़ की है उनमें इसका स्पीकर सबसे ज़्यादा लाउड है। हाँ क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट ऐसी है कि आप आराम से इसमें बात कर सकते हैं, तो कॉलिंग फीचर भी मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा, मैंने काफ़ी कॉल अटेंड किए इस पर और मुझे कोई भी ऐसा इशू यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है और कॉलिंग फीचर भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। उसके साथ ही जो कॉन्टैक्ट नेम है वो सारे नेम सिंक हो जाते हैं, जितने भी आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट नेम रहेंगे वो यहाँ पर सिंक हो जाते हैं, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक जगह पर इस वॉच ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब कॉल आता है तो नंबर शो करता है, नेम शो नहीं करता है, जबकि सारे नेम अच्छे से सिंक हो जाते हैं फ़ोन बुक के, बट फिर भी जब कॉल आता है तो नंबर शो करता है, तो ये चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी।
बात करें वॉच फेस की, तो यहाँ पर आपको वॉच में इनबिल्ट 36 वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि 36 वॉच फेसेस आपको वॉच में ही मिल जाते हैं, बट एप्लीकेशन में भी आपको वॉच फेस का सपोर्ट मिल जाता है, कितने 4। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ख़राब लगी क्योंकि 36 वॉच फेस आपको इनबिल्ट मिलता है और 4 एप्लीकेशन में, तो उसको देने की ज़रूरत ही क्या थी, वो भी इसी में दे देते तो कम से कम 40 वॉच फेस एक साथ आपको मिल जाता। खैर, बाकी इसमें आपको कस्टम वॉच फेस का भी फीचर मिल जाता है, तो अपने फोटो को वॉलपेपर की तरह लगा सकते हैं, तो ये फीचर भी इसमें मिल जाता है। अदर फीचर की बात करें तो इस वॉच में आपको कैलकुलेटर मिल जाता है, कैलेंडर मिल जाता है, अलार्म सेट कर सकते हैं, उसके साथ ही स्टॉप वॉच वाला फीचर भी मिल जाता है। उसके साथ ही इस वॉच के जरिए आप अपने फ़ोन के एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हैं वॉइस कमांड के जरिए, तो ये फीचर भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और सही लगा मुझे। इस वॉच में आपको जो मेन्यू स्टाइल मिलती है वो 4 तरह की मेन्यू स्टाइल मिल जाती है, एक हनीकॉम स्टाइल में, एक 9 एप्स, 4 एप्स और 6 एप, तो इस तरह से आपको मेन्यू स्टाइल भी मिल जाती है। बात करें अदर फीचर की, तो इसमें आपको वेदर का फीचर भी मिल जाता है और 4 गेम मिल जाता है। तो यहाँ पर गेम जो दिया गया है थोड़ा बहुत खेलने लायक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दो गेम ऐसा है कि आप खेल सकते हैं बट उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिस्प्ले छोटा होता है, तो गेम खेलने में उतनी मज़ा नहीं आती है और बैटरी भी काफ़ी तेज़ी से ड्रेन होती है। तो यहाँ पर गेम तो मिल जाता है बट आप उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसके साथ ही इस वॉच के जरिए आप अपने फ़ोन की म्यूज़िक को कंट्रोल भी कर सकते हैं और इस वॉच पे म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, और स्पीकर की क्वालिटी लाउड है तो आप इंजॉय कर पाएंगे म्यूज़िक को। तो यहाँ पर मैं म्यूज़िक की क्वालिटी भी आप लोगों को सुना देता हूँ। लास्ट बात है इसकी बैटरी बैकअप की तरफ, तो इसका बैटरी बैकअप भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैंने वॉच को कनेक्ट करके रखा, नोटिफिकेशन ऑन रखी, कुछ कॉल भी अटेंड किए, फिर भी मुझे एक दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिल गया। और अगर आप वॉच को फोन से पेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको 1.5 दिन या 2 दिन का भी बैटरी बैकअप मिल सकता है। बाकी बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका, तो बैटरी के हिसाब से भी ये वॉच काफ़ी ठीक ठाक लगी मुझे। एक चीज़ यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इस वॉच में आपको जो चार्जर मिलता है वो ट्रू वायरलेस चार्जर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी पिन नहीं है, प्योर वायरलेस चार्जर है। तो जैसे ही आप वॉच को इस पर रखेंगे वॉच चार्ज होना शुरू हो जाएगी और ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अब आते हैं फाइनल कि इसका प्राइस कितना है। तो जितने भी मेरे वीडियो पे कमेंट आते थे पहले कि भाई एप्पल लोगो वाली वॉच पे वीडियो बनाइए, तो मैं उनसे यही कहता था कि भाई इतनी महंगी वॉच लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जितनी वॉच आती है जैसे FK75 होगी, W26 प्लस होगी, उनका प्राइस रहता है 2000। और लोगों के नाम पर लोग काफ़ी लोगों को लूटते हैं, मतलब लोगों के नाम पर जो दुकानदार हैं वो आप लोगों को लूटते हैं, 4000, 4500 इस तरह से प्राइस रखते हैं। बट ये मुझे काफ़ी अच्छे डील पर मिल रही थी और मैंने इसको 2500 में परचेस किया, तो 2500 के हिसाब से ये वर्थ है, क्योंकि इसमें जब आप ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो एप्पल लोगो आ जाता है, बट लोगो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वॉच को पहनेंगे और कोई दूर से देखेगा तो समझेगा एप्पल वॉच है, बाकी करीब आकर देखेगा तो समझ जाएगा कि क्लोन वॉच है, और उसको आप ऑन ऑफ करके तो दिखाएंगे ही नहीं कि इसमें लोगो आ रहा है। तो लोगो होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है। बाकी आप लोग कह रहे थे कि लोगो वाली बात बताइए, तो मैंने परचेस कर लिया, 2500 में अच्छी डील थी। और अगर आप लोगों को परचेस करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप जाकर परचेस कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि करना है या नहीं करना है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो कंक्लूड करें वीडियो को, तो इसमें काफ़ी अच्छी मुझे क्वालिटी लगी, स्पीकर की डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, सारे नेम सिंक हो जाते हैं फ़ोन बुक के, तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। बाकी नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस टाइप की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती है, बाकी ये नेगेटिव नहीं कहेंगे, इसमें चेंजेबल स्टेप मिलता है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे FK75 या W26 प्लस को मैं रिकमेंड करता था, बट यहाँ पर 500 ज़्यादा देकर आप इसको भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कनेक्टिविटी है काफ़ी अच्छी मिलती है, तो 500 देना वर्थ लगता है मुझे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम तो मैं अवेलेबल हूँ, आप कोई भी सवाल कीजिए उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।